हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोरियन च्यूई पोटैटो की बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी। सो फ्रेंड्स, इधर मैंने लिया एक बॉल और उसके अंदर ऐड किए हैं 4 पोटैटोज़, बॉयल पोटैटोज़ हैं। इसको अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर वेजीज ऐड कर रही हूँ। इधर देखिए, मैंने ऐड किया है गाजर, शिमला मिर्च, थोड़ा सा अनियन, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। इधर मैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और थोड़ा सा हम इसके अंदर मिक्स हब भी ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमें इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा पानी डालेंगे, और अपने हाथों से इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक इसका डो बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। पानी की क्वांटिटी आप बिल्कुल ही कम रखिए। इधर देखिए, मेरा डो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए, हमें सबसे पहले इसका एक बोल शेप देनी है। उसके बाद हमें देखिए किस तरह से हमें शेप देनी है। मैं इधर बॉटल की हेल्प से इसको शेप दे रही हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर इसका शेप आया है। इसी तरह से हम अपने सभी च्यू पोटैटो रेडी कर लेंगे। आप एक एक कर कर इसको तैयार कर लीजिए। अगर ये आपके हाथों पर चिपकता है तो थोड़ा सा ऑयल लगाइए और बनाइए। ये देखिए, पहले इसको राउंड शेप देनी है। उसके बाद आप इसको शेप दीजिए। सो फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने अपने सभी च्यू पोटैटो रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, इधर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमें इसको बॉईल करना है। इधर मैंने पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए। जैसे ही पानी बॉईल होने लगे, हम अपने सभी पोटैटोस इसके अंदर ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमें इसे ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है, हल्का सा डालना है, और उसके बाद हमें बिल्कुल ठंडे पानी में इसको निकाल देना है। ये देखिए, मैंने इसको ठंडे पानी में डाल दिया है। बिल्कुल चिल्ड वाटर होना चाहिए, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। पानी में हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। डालने के बाद तुरंत बाद ही हम इसको निकाल लेंगे, जिससे कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस था वो स्टॉप हो जाएगा और ये वहीं पर रुक जाएगा। तो चलिए इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो सो फ्रेंड्स, इधर मैंने बॉल में ऐड कर लिया है थोड़ा सा गार्लिक। इसको मैंने क्रश करके डाला है। साथ ही में थोड़ा सा करी लीव्स मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा चिली पाउडर जाएगा इसके अंदर। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिक्स हब भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप इसके अंदर मिक्स हब चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये कोरियन डिश है। फाइनली इसके अंदर जाएगा टचअप के लिए सोया सॉस। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर गर्म गर्म ऑयल ऐड कर देंगे। ये देखिए, आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए मिक्सचर को। जैसे ही हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाता है, उसके बाद हम अपने च्यू पोटैटोज़ इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से हम अपने च्यू पोटैटो ऐड करने हैं, और इसको मसाले के साथ कवर कर लेना है।
ये कोरिया की स्ट्रीट फूड रेसिपी है जो कि कोरिया में बहुत फेमस है, बहुत खाई जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सो फ्रेंड्स, इधर मेरे कोरियन च्यूई पटेटो बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए गाइस। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।